हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही क्यूट सा कप डेकोरेट कर रही हूँ और क्ले वर्क कर रही हूँ इस पर। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, एक्रेलिक कलर, वाइट ग्लू, कप और होममेड क्ले ली है मैंने। इसके साथ मैंने बर्ड्स की पिक्चर का प्रिंट आउट निकाल लिया था, जिस तरह का डिज़ाइन मैं कप पे डेकोरेट करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्ले को कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, येलो। क्ले वर्क करने के लिए आप बटर पेपर सरफेस पे बिछा लें, क्योंकि वो स्मूथ होता है और इजी रहता है वर्क करना। इसके बाद मैंने जो प्रिंट आउट निकाला था, उस पिक्चर को मैं कट कर रही हूँ। आप ख़ुद भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आज होममेड क्ले यूज़ कर रही हूँ और उसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूँगी। जो क्ले मैंने येलो कलर किया था, इस पर मैं बर्ड की पिक्चर रख के इसको कट कर लूँगी इसी शेप में। आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी कॉर्नर स्मूथ कर लें, आप पानी की मदद भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से सारी सरफेस इसकी सेट कर लें। और मैं इसको फिर पेस्ट कर रही हूँ कप में। आप वाइट ग्लू से इसको पेस्ट कर लें। मैं सेरामिक कप यूज़ कर रही हूँ आज। इसी तरह मैं सेकंड बर्ड भी कट कर लूँगी और फर्स्ट बर्ड के साथ ही इसको पेस्ट कर लूँगी। आप साथ साथ उसका शेप नीट करते जाएं। अब बर्ड के विंग्स बनाने के लिए मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। इनको विंग्स की शेप देकर दोनों बर्ड में मैं पेस्ट कर दूंगी। कलर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं ब्लू कप इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया है। अब मैं बर्ड की बीक्स अटैच कर दूंगी। आप बीक एंड आईज थोड़ी देर पहले भी रेडी कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएं और इजीली पेस्ट हो सकें। आईज के लिए मैंने लिटिल बॉल्स बना रही हैं ब्लैक कलर में और दोनों बर्ड में पेस्ट कर दिए हैं। अब मैं ब्रांचेस बनाऊंगी, जिसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। मैंने क्ले पे एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं, लेकिन आप पोस्टर कलर, फूड कलर, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। क्ले को मैंने थोड़ा सा रोल कर लिया है ब्रांचेस बनाने के लिए। टोस का लुक देने के लिए मैं छोटी सी स्टिक अटैच कर रही हूँ दोनों बर्ड्स में। बाकी ही स्मॉल ब्रांचेस भी मैं साथ साथ अटैच करूंगी।
आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं स्मूथ लुक देने के लिए, और साथ साथ आप वाइट ग्लू का इस्तेमाल भी करते रहें क्ले पेस्ट करने के लिए। वाइट ग्लू से ये बहुत अच्छी तरह कप में स्टिक हो जाती है और ड्राई होने के बहुत बहुत अच्छी तरह स्टे करती है। आप इनको एज अ डेकोरेशन पीस भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल मार्कर होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये बनके क्यूट लुक देता है, आप डिफरेंट डिज़ाइन इससे बना सकते हैं। यहाँ मैं एक्सेल्स को क्रश कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह प्लास्टिक बैग में डाल के क्रश कर लें और स्मॉल पीसेस कर दें। एक्सेल्स में ब्रांचेस के कॉर्नर्स पे स्टिक करूँगी फ्लावर इफेक्ट देने के लिए। ब्रश की हेल्प से मैं वाइट ब्लू लगा रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे फ्लावर इफेक्ट देना है। अच्छी तरह से एक्सेल्स के जो आपने पीसेस किए थे उसको स्प्रिंकल कर लें। अच्छी तरीके से ये पेस्ट हो जाएंगे ब्रांचेस में और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देते हैं। थोड़ा सा इसे ड्राई होने के लिए रखेंगे, उसके बाद मैं इन पे कलर करूँगी। जितने मैं ब्रांचेस को इफ़ेक्ट देने के लिए स्टिक की मदद से लाइंस लगा लूँगी, इसी तरह मैंने विंग्स पे भी लाइंस लगा ली हैं। लास्ट में मैं रेड एक्रेलिक पेंट से एक्सेल्स पे पेंट कर दूँगी। मैं सिर्फ इसको टैप कर रही हूँ। लास्ट में आप इस पे क्लियर स्प्रे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। उससे एक और लेयर प्रोटेक्शन की आ जाती है। आप इसमें रेडीमेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। एयर ड्राई क्ले को 2 डेज लगते हैं ड्राई होने में और ये आपके वेदर पे भी डिपेंड करता है। ड्राई होने के बाद का फाइनल लुक कुछ इस तरह है और ये बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।